तो ये क्या हुआ, एक एप्लीकेशन हुआ, किसका, डिफ्रेंशिएशन का। अगर आपसे कहा जाएगा कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको और ये कोई डिस्टेंस दिया हुआ, आपको कहेगा कि बताइए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम इतना सेकेंड पर क्या रेट से जो है वो स्पीड क्या था, तो आप बता देंगे कि इतना स्पीड था इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये किसका पार्ट हुआ, ये फिजिक्स का पार्ट हुआ। पढ़ा कहाँ आपने, मैथ्स में पढ़ा। क्या मैथ्स का पार्ट नहीं है, बिल्कुल है, ये मैथ्स का भी पार्ट है, ये फिजिक्स का भी पार्ट है। इसी तरह से आप लोग जो है आगे कई सारी चीज़ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे जो फिजिक्स का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है। बच्चों मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्लास इलेवंथ का कोई सब्जेक्ट आसान नहीं है और सारे सब्जेक्ट आसान हैं। क्यों, ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पर। कभी एक बात मेरी याद रखिए, कभी किसी चीज़ से बचने की कोशिश मत कीजिएगा। जब आप किसी चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ आपके पीछे कभी हमेशा दौड़ता रहेगा, कभी आपको उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। यदि आप लोगों के लिए मेरी यह एडवाइस है कि यदि आप लोग मैथ इस वजह से ले रहे हैं कि आपको बायोलॉजी में समझ में नहीं आता है या पढ़ना नहीं चाहते हैं, मैं बायोलॉजी से भाग रहे हैं और मैथ ले रहे हैं, तो मत लीजिए। या आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं और बायोलॉजी ले रहे हैं, या बायोलॉजी में इंटरेस्टेड मैथ ले रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको बायोलॉजी पसंद नहीं है, तो मैथ मत लीजिए। या मैथ में अगर आप मैथ को छोड़कर बायोलॉजी तरफ भाग रहे हैं तो मत लीजिए, भागिए मत, क्योंकि भागना किसी चीज़ का ऑप्शन नहीं है, उसको फेस कीजिए। यदि आप लोग मैथ्स को समझ में नहीं आता है तो उसको बेसिक्स पढ़ करके बेसिक्स से क्रिएट कीजिए, बिल्कुल जीरो से। अभी तो बहुत अच्छा समय है, रिजल्ट आने में काफ़ी समय, जुलाई लास्ट तक उम्मीद है रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर ट्वेल्थ के एग्ज़ाम नहीं हुए, कैंसिल हो गए, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम मना कि जुलाई के फर्स्ट वीक से सेकेंड वीक तक में रिजल्ट आ जाएगा, 110% आ जाएगा। और यदि 10th 12th के एग्ज़ाम हुए, जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं, तो अगस्त तक एग्ज़ाम का रिजल्ट आने की संभावना है। वैसे तो मान के चलिए कि जुलाई लास्ट वीक से लेकर अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा रिजल्ट, अगर एग्ज़ाम हुए तो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे करके लौट के आए, 4-5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाए, क्योंकि कॉपी ऑलरेडी चेक हो चुकी होंगी और जितनी थोड़ी बहुत कॉपी बची हुई हैं वो रेगुलर बेसिस पे चेक होती चली जाएंगी, पर डे बेसिस पे, तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, तो यह बात का ध्यान रखिए आप लोग कि किसी सब्जेक्ट से भाग करके आप अपने करियर ऑप्शन दूसरा सब्जेक्ट मत चुनिएगा। आप अपना गोल पहले फिक्स कीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की क्या है कि आप लोगों के पास गोल ही नहीं है कि आगे करना क्या है। पढ़ लेंगे मैथ, पढ़ लेंगे बायोलॉजी, पढ़ लेंगे कॉमर्स, ऐसे नहीं होता है। पढ़ लेंगे क्या, पढ़ लेंगे नहीं, गोल सेट कीजिए कि पढ़ के करेंगे क्या, बनेंगे क्या, बनना क्या है, यह चीज़ पहले सेट कीजिए अपने गोल को, क्या करना है हमको लाइफ में, आगे बनना कहाँ है, जाना कहाँ है, तब सब्जेक्ट को चुनिए। ये नहीं कि सब्जेक्ट को चुन लिए तो हम बायोलॉजी लिए हैं तो मेडिकल ही करेंगे, नहीं, ये चीज़ नहीं। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, बहुत लोग हैं इंजीनियरिंग करके फिर आईएएस करते हैं, बहुत लोग हैं बायोलॉजी करके फिर आईएएस करते हैं, बहुत लोग हैं आर्ट्स करके आईएएस करते हैं। आप लोग माइंड कंसेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको जाना कहाँ है। स्ट्रीम सारे हैं, किसी भी स्ट्रीम से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन एम कहाँ है, एम को पहले सेलेक्ट कीजिए। अगर एम सेलेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट सेलेक्शन गलत हो जाएगा, और ये जीवन है, यहाँ दूसरा मौका नहीं मिलता है। एक बार यदि सिलेक्शन गलत हो गया 10th के बाद, फिर जीवन भर आप चाह लीजिएगा उसको गलत को सही नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकिएगा गलत को सही, और पछताने से फिर कुछ नहीं मिलेगा। मेरी एडवाइस को अगर आप लोग मानेंगे तो यही मानिए, निश्चित रूप से इसको ज़रूर मानिए कि सब्जेक्ट को चुनने के बजाय अपने गोल को चुनिए, और फिर आपका खुद ब खुद वो सब्जेक्ट बेस बन जाएगा जिससे होकर आप अपने गोल तक पहुँचेंगे। यदि आप ये आप पर निर्भर करता है आप क्या बनना चाहते हैं, और जब आप कुछ बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं ये गोल आपका क्लियर होगा, तो निश्चित रूप से आपका यह भी गोल क्लियर है, यह भी टारगेट क्लियर होगा कि किस तरीके से वहाँ पहुँचना है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही एडवाइस है आप लोगों को कि आप लोग पहले अपने गोल को सेट कीजिए कि हमें यह बनना है, हमें यह करना है। जब आपका गोल सेट हो जाएगा तब आप लोग उस चीज़ के लिए जो आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी तब आप चूज कीजिए कि उसके लिए मुझे किस सब्जेक्ट की आवश्यकता है। आप लोग सुन रहे हैं कि 11th का सिलेबस घटा दिया जाएगा, आप लोगों को क्या लगता है इसका प्रभाव कुछ तो पड़ेगा आप लोगों के करियर में या नहीं पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। आप एक बात बताइए, यदि आप बेसिक्स छोटे बच्चे होते या आपने छोटे बच्चे के क्लास में 1 क्लास में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ा है ना, सोचिए यदि किसी कारणवश क्लास 1 के बच्चे को एडिशन ना सिखाया जाए,
सब्ट्रैक्शन ना सिखाया जाए या मल्टीप्लिकेशन ना सिखाया जाए या डिवीजन ना सिखाया जाए, इसको कट कर दिया जाए उस पोर्शन को, तो आगे जा करके वो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकेगा क्या? वो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन कर सकेगा क्या? नहीं कर सकेगा ना। उसको फिर वो चीज़ को सीखना ही पड़ेगा ना, तभी तो वो कर सकेगा। तो जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे क्या? या उसके आप बाद जो ग्रेजुएशन करेंगे उसमें जो आपको टॉपिक्स आएंगे तो बिना उन चैप्टर्स के आप उसको सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिलेबस के कट हो जाने से भी आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। चैप्टर के कटने से आप लोगों को लॉस होगा बेनिफिट की जगह। इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई निश्चित रूप से शुरू कर दीजिए। आपके पास जो भी सोर्स मिलता है, जहाँ कोई अगर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में समझ में आता है या मेरे चैनल पे आपको समझ में आता है, जहाँ आप लोगों को समझ में आए वहाँ निश्चित रूप से उसको सब्सक्राइब करके चैनल को वेब बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन अपडेट ले करके, या टीचर के पास अगर समझ में आता है टीचर के पास जा करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए रेगुलर रूप में। घर पर बैठे टाइम वेस्ट ना कीजिए। अगर टीचर अभी तो खैर ऑनलाइन क्लासेस ही सहारा है, ऑनलाइन क्लास से देखिए। तो मेरी ये एडवाइस आप लोग मानेंगे।